और ये इसकी तैयारी है। ये मेरी माता जी हैं। ये क्या है, आरती करनी, भस्म करना है। दोस्तों दिवाली के दिन एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा काम होता है वो ये कि घर में जितनी भी गाड़ियां हैं उन सभी गाड़ियों की धुलाई की जाती है। तो मैं अपने दोस्त के साथ अपने घर की गाड़ी लेकर पहुंच गया धुलाई सेंटर। लेकिन जब हम लोग वहां पहुंचे तो वहां पहले से बहुत सारी गाड़ियां आ चुकी थी और सबसे बड़ी गाड़ी थी ये बस। लेकिन भगवान और जेठालाल की दया से मेरी गाड़ी का नंबर इस बस से पहले था, नहीं तो इंतजार करते करते मैं बेबस हो जाता, इतना इंतजार करना पड़ता। देखिए तो अपनी गाड़ी धुलवाने के बाद जब ये घर पहुंचा तो इसने देखा, तो मैंने देखा कि मेरे घर की सबसे छोटी गाड़ी भी धुली जा चुकी है। अरे छोटे भीम की बात कर रहा हूं मैं, तो उसको भी तेल वेल लगा के मालिश वालिश करके तैयार किया जा चुका था। अभी आप लोग देख रहे हो कि उसका मुंह खुल रहा है। हो तो मैं गाड़ी धुलवा के आ गया हूँ वापस। अब मुझे खुद को भी धुलना है, 10:30 बज रहे हैं, नहाना है और लगता है ये सब तो साफ वाफ हो गया है। छोटा भीम, काजल वाजल लग गया है कपड़ा पे, डबल ट्रिपल लेयर से पहना हुआ है। दो तीन तीन चुपचाप लेटा धैर्य। तो आज दिवाली है हा? और मुझे और पटाखे लेने जाने, ऊपर वाले एक दो मतलब और लाऊंगा, ज़्यादा नहीं, एक दो और लाऊंगा। और फिर मिठाई लाना है, और भी एक दो चीज़ें मम्मी बताएंगी वो लाना है बाजार से। अभी माता जी से मिलते हैं, ऑर्डर लेते हैं। तुम्हारी माता जी से भी मिलते हैं, वो भी ऑर्डर देंगी कुछ ना कुछ, वो भी लाना पड़ेगा। सुन लो सोना, चलिए तो मम्मी से ले लेते ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मम्मी कहाँ है मम्मी? तो मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ, जींस कट पैंट और टी शर्ट पहन लिए। ये रखा हुआ वो पर्चा जिसकी आज करनी है मुझे चर्चा। चर्चा में सबसे पहले लिखी है चाय पत्ती और 15 आइटम है टोटल जो मुझे लाने आज दिवाली के लिए। उनमें है रंगोली और बहुत सारी चीज़ें, फूल, झाड़ू, बतासा, मोरपंख, साबुन, पियर्स, 4 पैकेट मीठा तेल। चलिए घर में सब कोई रहा है हमको झेल। बताइए ये सब लाना है? हाँ ये सब लाना है, लाना है। ठीक है ले। तो मम्मी रोटी बना रही हैं, मम्मी रोटी बना रही हैं। खाना वाना नहीं खाना मुझे अभी। और ये कमरे में आ रही हैं, ये कमरे में लेट रही हैं, ये कमरे में सो रहे हैं, और अब हम निकलते हैं। मैं आऊँगा अब 3:30-4 बजे तक ये सब सामान लेके। आ जाएगा सामान टाइम से। लक्ष्मी जी की पूजा 6 बजे शुरू हो रही है, मुहूर्त 6 बजे से। खाना नहीं खाते हम। यहाँ पर दरवाजे के बाहर कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं दरवाजे खुलने का। आइए आइए। माँ बेटी, ओ ये है मेरी माँ और मैं हूँ बेटा। माँ बेटी, माँ बेटा। तो मैंने बाजार से बहुत सारे सामान लेके आ गए हैं जो दोपहर में लेने के लिए गया था। बहुत सारा मतलब बहुत सारा, मिठाई 2 किलो और कपड़े लाया हूँ इसके लिए। तुम कितने किलो की हो? मिठाई 2 किलो की लाया हूँ, तुम तो 67-65 किलो की होगी। तो कपड़े लाया हूँ इसके लिए उतने किलो के, और मम्मी के लिए भी एक साड़ी लाया हूँ, सबके लिए एक साड़ी, मतलब जितनी भी लेडीज़ हैं घर के लिए उनके लिए सब की ले रहे हूँ कुछ ना कुछ। और किचन में बन रहा है खाना, खाने में वही सब्जी। और चलिए तो नेहा का भी क्या है कि ज्योतिष के हिसाब से कहीं आना जाना बनता नहीं है, मतलब अपने मायके में। क्या चाय है? क्या चाय? क्या क्या? अरे मैं बहुत खराब बोल दे यहाँ फिर। बहुत खराब बोल देंगे मम्मी। तो नेहा के लिए जो कुर्ती लाया था और प्रियंका के लिए जो साड़ी लाया था, तो मैंने उन लोगों को पहले ही दे दी थी, मम्मी के नहीं दी थी, बैग में रखी थी। ए, लो। देखो जल्दी बताओ कैसी है। तो साड़ी को लेती मम्मी ने उसको पहले गौर से देखा और फिर बोली कि अगर थोड़े पतले कपड़े की होगी तभी मैं लूंगी। अरे एकदम पतले कपड़े की होगी।
फिर से बोलिए, फिर से एक बार थैंक यू। तो साड़ी मिलने के बाद मम्मी ने मुझे थैंक यू बोला है और बोल रही है कि थैंक यू का मतलब 2000 रुपए भी दूंगी। कल मामू वाले आ गए हैं कपड़ा। वो बोल रही है कि कल मम्मी ने भी सबके लिए लाए घर में और सबको 500 रुपए भी दिए हैं। हम भी बोल लेते हैं थैंक यू। तो एक तो पूरे घर में नीली नीली लाइटें लगी हुई हैं, ऊपर से मम्मी भी मुझे नीली नीली शर्ट लाई हैं और खाकी कलर का पैंट लाई हैं। तो आधी ड्रेस तो मेरी, आधे कपड़े तो मेरे पुलिस वाले हैं। तो ये मेरा पूरा पहनावा है आज की शाम की दिवाली का। अब देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। बुलावा तो बहुत देर से आ रहा है मुझे, पैंट खिसक रहा है नीचे। तो है क्या? तो और ये इसकी तैयारी है। ये मेरी माता जी हैं। ये क्या है? आरती करनी, भस्म करना है। मैं इनके लिए जो लाया हूँ साड़ी वो नहीं पहन रही हैं, जबकि मैं उनकी, मेरे लिए जो कपड़े लाई हैं वो मैं पहन रहा हूँ। भले मुझे वो कैसे भी लगे। तो बाकी लोग हैं घर के, मतलब एक दर्जन केले में उतने केले नहीं होते जितने लोग मेरे घर में हैं अभी। एक दो तीन चार, एक छोटा केला भी है गोद में। पिताजी बाल क्यों छुपा रहे हैं बाबू जी? चलिए तो। अरे बड़े अच्छे कपड़ा है किशन जी के। इधर क्या हम को लिया? हमें तो लिया के दर्दनी नहीं लेने ले। तो क्या है कि मम्मी तो पूजा की तैयारी कर रही थी और मैं हंसी मजाक कर रहा था और यही हंसी मजाक कारण बनने वाला था होने वाली लड़ाई का। बेचारे पापा के तरन ईंट के भट्टा जैसे कुर्ता कलर ले। ईंट के भट्टा। बस 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 बस, इसीलिए थोड़ी देर बाद तेरी बैंड बजेगी और दिवाली का दिवाला निकल जाएगा। नहीं अच्छे अच्छे बहुत अच्छे हैं। तो मम्मी अब आरती वारती के लिए तैयार कर रही हैं। दिया दिया है कि कटोरी है? दिया ये बड़ा वाला। मिठाई उठाई 1-2 किलो में लेके आ गया था मिक्स, सभी है उसमें। काजू कतली 1-2 पीसी डाली होगी क्योंकि महंगी आती है, बाकी सस्ती सस्ती भर दी होगी। तो मिलते हैं पूजा वूजा के बाद। असली काम अभी बाकी है पटाखे फोड़ने का। आज 1-2 पटाखे और लेके आया हूँ मैं ऊपर वाले। लेकिन क्या है ना दोस्तों कि मेरी किस्मत में दिवाली के दिन खुशी खुशी पटाखे फोड़ना लिखा ही नहीं था, क्योंकि मैं जो हंसी मजाक कर रहा था मुझे ऐसा लगा कि मेरी मम्मी मुझसे नाराज हो गई है। तो आरती होने के बाद, पूजा होने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया, तो मम्मी ने ये सोचा कि मैं नाराज हो गया हूं। तो मम्मी मेरे कमरे में आई तो मैं वापस पूजा वाले कमरे में चला गया। लेकिन जब मैंने 1-2 पटाखे फोड़े तो मम्मी आई नहीं, देखने नहीं आई, तो मैं फिर से अपने कमरे में चला गया। तो अब यही नाराजगी नाराजगी मनाने मनाने के चक्कर में पटाखे फूटे नहीं, फोड़ने का मजा ही नहीं आया और बस काम हो गया दिवाली की शाम का तमाम। तो दिवाली के दिन किसी का हमारे यहाँ चक्रियां घूमी थी अगले दिन, क्योंकि मम्मी को बिना मनाए मैं कैसे रह सकता था। लेकिन वो कैसे हुआ चलिए देखेंगे अगले दिन। कल धन्यवाद।